बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इजी टू कुक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत आसान सी रेसिपी, और बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है और बहुत कम टाइम इसमें हमें लगता है। आज हम बनाने वाले हैं अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज 2 से 3 डलियाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में मैं लूँगी नमक 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया 1 बड़ा चम्मच, लौंग और छोटी इलायची 3 से 4। बाकी हमें इसके लिए आलू चाहिए होंगे और अंडे चाहिए होंगे बॉयल हुए हुए। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चों की हम गार्निशिंग करेंगे, और हमने लेनी होगी दही। आइए बनाना सिखाते हैं आपको अंडे आलू का सालन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को जो है बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने पैन में मैं डाल दूँगी ऑयल 1 बड़ा चम्मच। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी अपनी बारीक कटी हुई प्याज, और इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तेल हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर। तेल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपनी प्याज, इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज जो है ब्राउन हो रही है, मैं अपने अंडों को जो है वो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ दूसरे साइड पर। अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं पानी में, थोड़ा सा नमक डालकर। प्याज का हमारा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। वर्स ये हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसे अलग कर दूंगी। ये प्याज मैंने अलग कर ली है, ब्राउन करके निकाल ली है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं डालूंगी इसमें अपने मसाले। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू कटे हुए। आलू को भी भून लेंगे हम। मैं अपने चॉपर में जो है ये अपनी दही दे दूंगी, और इसमें जो मैंने ब्राउन की हुई थी प्याज वो शामिल कर दूंगी और इसको ग्राइंड कर लूंगी। दही प्याज को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना दिया है। यहाँ आलू भूनने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे शामिल कर दूंगी अपने ये पेस्ट। दही प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी जब तक हमारे आलू गल जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा शोरबा जो है तैयार हो गया है, आलू का सालन। आलू गल चुके हैं और मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है शोरबा बनाने के लिए। हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करी, उस वक्त मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकी। अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं, मैं अब डिश आउट करते वक्त इनको इसके अंदर डालूंगी तो आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये हमारा अंडे आलू का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।